बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही जलजनित बीमारियां बढ़ती जाती है। ऐसे में वडोदरा में इस वक्त कोलेरा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैलता जा रहा है। दरअसल कोलेरा भी जलजनित बीमारी है और ऐसे में बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही वडोदरा में कोलेरा फैलता जा रहा है। हाल ही में खोडियार नगर में रहने वाली एक 2 साल की बच्ची कोलेरा ग्रस्त पाई गई है, जिसके चलते आज आरोग्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह की ओर से कोलेरा को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। खोडिया नगर विस्तार में थी SSG में एडमिट थे 2 वर्ष बाड़की नु कोलेरा पॉजिटिव आयो। कोलेरा विब्रियो कोलेरी नामना जम्स थी थाय छे अने ये सामान्य रीते दूषित पानी के दूषित खोराक जो कंज्यूम करवामां आवे होय तो कोलेरा जेवी बीमारी थाय छे। खूब रेरली देखाती आपणने केटला बधा दिवस पछी वडोदरामां एक केस पॉजिटिव आव्यो छे, पण एमां विशेष काळजी राखवानी कि जो आपने त्यां डोळું पाणी आवतुं होय के ड्रेनेजवाळुं पाणी आवतुं होय तो अवश्य एनो उपयोग पीवामां नहीं करवानो। पानी ढोड़ू आवू ये खूब सामान्य है कि वरसाद सीजन में अपना फ्रेंचवेल ने बधी जगह महिसागर जो पानी आए थे ये ढोड़ू थी जत हो तो यू पानी लगे तो एने गरम करी अने एनो उपयोग करवानो, पण जो स्मेल एमांथी आवती होय तो ये पानी क्यारे कदापि ये पीवामां वापरवानुं नथी। तात्कालिक आपना अधिकारी श्री अथवा कॉर्पोरेटर श्री ने आप कम्प्लेन करो अने एनी एक्शन लेवामां आवशे। आरोग्य विभागनी टीम द्वारा अत्यारे जे ते विस्तारमां जे कोलेरा पॉजिटिव आव्यो छे त्यां घरे घरनो सर्वे चाले छे। क्लोरिन टेब्लेट कोई एंजीनियरिंग विभाग ने वच्चे कम्युनिकेशन करी अने कोई जगह डोड़ू पाणी नथी ने एना क्लोरिन टेस्टिंग थी माडीने अत्यारे खूब एग्रेसिवली कॉर्पोरेशन नु आरोग्य तंत्र पण कामे लागी गयुं छे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।